प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करना चाहेंगे कि मानव जीवन की क्षमता हमारे पास किस प्रकार से है। आप सभी लोग जानते हैं कि मानव जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी संपदा है और जीवन की है, मानव जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा उपहार है। लेकिन यह उपहार तभी हमारे लिए बहुत लाभदायक हो पाएगा और पूरी दुनिया के लिए, जब हम इसका बेहतर से बेहतर उपयोग करना जान जाएंगे। देखिए, सामान्यतः मनुष्य जंतु जैसा ही होता है। जंतु से मानव बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें तमाम संघर्षों से गुजरना पड़ता है और अपने जीवन को ग्रो करना पड़ता है, व्यक्तित्व के अनेक अनेक आयामों को विकसित करना पड़ता है। और जब हम अपने व्यक्तित्व के सभी आयाम को विकसित कर ले जाते हैं, तब हम बेहतर मानव हो जाते हैं। लेकिन व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, क्षमताओं का विकास कैसे होता है और क्षमताओं को निखारा कैसे जा सकता है, इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। अगर व्यक्ति को ऐतिहासिक रूप से अपनी पहचान को कायम करने का लक्ष्य है, अगर आप ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया के सामने अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप इतिहास के नायक बनना चाहते हैं, आप शासन और प्रशासन के केंद्र के रूप में स्थापित होना चाहते हैं और अपने जीवन को हर प्रकार से सफल बनाना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिए, आपको संघर्ष के दौर से गुजरना होगा। बिना संघर्ष के, बिना बेहतर प्रयासों के आप अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। आप जानते हैं, खुद आइंस्टीन ने कहा था कि जीवन उन शक्तियों को पैदा कर देता है जिनके लिए चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। खुद हाइजेनबर्ग ने कहा था, जहां चुनौतियों का अभाव होता है वहां शक्तियां जागृत नहीं होती हैं। अगर चुनौतियां होंगी तो हमारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। और जैसे आपने देखा होगा, घने जंगल में वृक्ष बड़े होते हैं, वृक्ष लंबे हो जाते हैं, लेकिन जहां घना जंगल नहीं होता है वहां वृक्ष छोटे हो जाते हैं। जैसे मरुस्थली क्षेत्रों में आप देखिए कि मरुस्थली क्षेत्रों में जंगल जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इस नाते बहुत छोटे होते हैं। इसलिए संघर्षों को कभी भी नकारात्मक नहीं लेना है। संघर्ष हमारे जीवन के लिए दरवाजे हैं, अगर उन दरवाजों से आप गुजरेंगे तो निश्चित रूप से जीवन निखर जाएगा और जीवन का उजाला दिखने लगेगा आपको। जैसे बहुत विद्यार्थी ये सवाल करते हैं आकर के, यहाँ मुखर्जी नगर में भी और देश के अनेक भागों में जब मैं जाता हूँ क्लास लेने के लिए, तो पूछते हैं कि सर, क्या मैं आईएएस बन सकता हूँ, क्या मैं पीसीएस बन सकता हूँ, क्या मैं फला फला प्रशासनिक पदों पर सफल हो सकता हूँ। तो मेरा आप सभी लोगों को कहना है कि निश्चित रूप से, जैसे हर एक बीज वृक्ष बन सकता है इस बात में कोई शक नहीं है, ऐसे ही हर एक व्यक्ति जो चाहता है वह बन सकता है। यह आपके संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है और संकल्प शक्ति, जब आप संकल्प लेते हैं तो फिर विचारों को प्रकट कैसे किया जाए, धीरे धीरे उसकी दशा बनने लगती है। जैसे मैं आपको बीज के बारे में बताएं, इस बात में कोई शक नहीं है कि हर बीज वृक्ष नहीं बन सकता है, लेकिन आप जानते हैं हर बीज फिर भी वृक्ष नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि बीज को वृक्ष बनाने के लिए तमाम सम्यक सुविधाओं को जुटाना पड़ेगा, तमाम सम्यक सुविधाओं को अनुकूल करना पड़ेगा। जैसे उसे एक उर्वर भूमि में बोना पड़ेगा, उसके लिए बीज, सिंचाई, कीटनाशक आदि सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी, निराई गुड़ाई भी समय समय पर करते रहने होगी, तब जाकर के बीज वृक्ष में विकसित होता है और अपने सत्य को प्रकट कर लेता है, अपने अंतिम क्षमता को प्रदर्शित कर देता है। ऐसे हम सभी विद्यार्थी, हम सभी लोग अपने वास्तविक जीवन को अगर प्रकट करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को उर्वर बनाना होगा, अपने जीवन में उचित समय पर सिंचाई, उर्वरक और तमाम चीजों की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। इसलिए यह तो सोचना ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप
लेकिन इसके लिए आपको अपनी क्षमता को निखारना होगा, अपने व्यक्तित्व को ग्रो करना होगा। संघर्ष से दूर होकर के आप कोई भी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते। भारत तो एक बहुत व्यापक परंपरा वाला देश रहा है, यहाँ तमाम ईश्वर ने भी अवतार लिए, और ईश्वर के अवतार बाद में भी आप देख सकते हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, इन्होंने दिखाया कि संघर्ष, ईश्वर भी संघर्ष से दूर नहीं भाग सकता, उसको भी संघर्ष करना पड़ता है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, सबको लड़ना पड़ता है अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो या गौतम बुद्ध। अर्थात आपको अपने संघर्ष को जो है पूरा करना होता। खुद भगवान राम के जीवन से आप देख सकते हैं, उन्होंने ईश्वर होने के बाद भी अनेक संघर्षों के दौर से वो गुजरते रहे और अपने जीवन को निखारते रहे। खुद आपने देखा होगा कि ईश्वर होने के बाद कहीं भी उन्होंने ईश्वरीय तत्व के रूप में लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा हर कार्य को एक संघर्ष के दौर से गुजर करके, एक रणनीति बना करके, हर कार्यक्रम को एक दिशा दे करके अपनी उपलब्धियों को प्राप्त की। खुद और जानते हैं, जैसे एक व्यक्ति संघर्ष करते करते पैदल हो जाता है, अकेला हो जाता है, तमाम चुनौतियों से जूझता है। खुद आप भगवान राम के जीवन से देखे, उसी प्रकार की चुनौतियां मिलती हैं। खुद जानते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है कि रामण रथी और बिरथ रघुवीरा। रामण रथ पर सवार था और रघुवीर बिरथ थे, इतना संघर्ष था। रघुवीर भगवान राम बिरथ थे, बिना रथ के थे, पैदल चल रहे थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थे, क्योंकि जो सत्य के रास्ते पर है, जो संघर्ष के रास्ते पर है, उसे ऐसे ही परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो अगर प्रतीकात्मक रूप से ही ईश्वर को माने, तो ईश्वर से यह संदेश मिलता है कि उसको भी इन संघर्षों से गुजरना पड़ा है। तो हम सभी लोगों को भी संघर्षों से गुजरना होगा। इसलिए संघर्ष हमारे जीवन को महोत्सव तक ले जाते हैं, और यही महोत्सव जानते हमारे जीवन का विराट विकास संभव बनाता है। तो सभी विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना होगा, यह तो आपको डाउट ही नहीं रखना होगा कि आप अपने जीवन में क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। आप जो सोच सकते हैं वो बन सकते हैं, बशर्ते इसके लिए सही रणनीति, सही समय का प्रबंधन, और जानते हैं अपनी सोच को लगातार निखारना होगा आपको, और एक सटीक दिशा की पहचान करनी होगी, और इसके बाद अपने आप का व्यापक से व्यापक प्रबंधन करना होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले आप अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, तब आप अपने जीवन के को अपने जीवन को चुनौती देने लगते हैं, और जैसे ही चुनौतियां देने लगते हैं, शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। तो सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य को पाने का सबसे बड़ा हथियार समय प्रबंधन है और टाइम मैनेजमेंट है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ें, और समय का प्रबंधन मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कला है। ये ऐसी कला है जो समय का प्रबंधन कर ले जाता है, वो इस इतिहास में प्रकट हो जाता है, वह सभी मानव के लिए जो है आदर्श बन जाता है, और वह सभी मनुष्य के लिए जानते हैं एक ऐतिहासिक उपलब्धि और संसाधन बन जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करें, और फिर लक्ष्यों को पाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है समय प्रबंधन, उसको सुनिश्चित करें। लेकिन समय प्रबंधन के लिए अनुशासन आपको रखना होगा, क्योंकि अनुशासन जानते हैं समय प्रबंधन की कला है, और समय प्रबंधन की पूरी सीमा देता है। इसलिए अनुशासित होकर के आपको अपने जीवन को जो है एक दिशा देनी होगी। तो मेरा मानना है, निश्चित रूप से आपका जीवन प्रकट होगा, और जैसे हर बीज वृक्ष में बदल जाता है, अगर उसके लिए सम्यक सुविधाएं, अनुकूल सुविधाएं जुटाई जाती हैं, ऐसे आपका हर वो लक्ष्य प्रकट हो जाएगा जिसे भी आप बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में ऊर्जा तो भोजन से मिलती है, भोजन करने से, लेकिन संकल्प शक्ति से हमारे जीवन की वह ऊर्जा प्रकट होने लगती है जो गुप्त है, जो जिसके बारे में पता नहीं है, उन सभी चीजों को प्रकट कर देती है। इसलिए आप सभी यह कभी ना सोचें कि हम
हम क्या बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते हैं। आप सभी कुछ बन सकते हैं, लेकिन पहले आपको विचार करना होगा, फिर विचारों को रूपांतरित करने के लिए उस विचार को बार बार दोहराना होगा, और दोहराने के लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है। खुद हाइजेनबर्ग ने जब परीक्षण किया अणुओं की खोज पर, परमाणुओं की खोज पर जब उन्होंने अनुसंधान किया, तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे अणुओं परमाणुओं को लीक मिलने लगती है, लीक का मतलब एक दिशा मिलने लगती है, तो वह जो है ऊर्जा पैदा कर देते हैं, वो विद्युत पैदा कर देते हैं। और इसी आधार पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई, वैक्यूम ट्यूब बनाई गई, आगे चलकर के ट्रांजिस्टर बनाया गया। और ये सब क्या बताता है, ये बताता है कि आपको दिशा देनी होगी। जैसे आप जमीन पर जब थोड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, थोड़ी सी लीक बना देते हैं, तो नदियां उससे होकर के बहने लगती हैं, नहरें उससे होकर के बहने लगती हैं। तो लीक तो आपको बनाना पड़ेगा, लीक बनाने का काम आपका स्वयं है। तो किसी भी विचार को प्रकट करने का सबसे बड़ा रास्ता यह है कि आप लक्ष्य बनाएं और उस विचार को लीक दें, एक जगह दें, निश्चित रूप से वह विचार धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा और परिणाम में बदल जाएगा। यह मानव जीवन के लिए अद्भुत है। और जानते हैं, इस रहस्य को आप जान करके अपने जीवन को प्रकट कर लें, अपने जीवन को बेकार ना होने दें, क्योंकि मानव जीवन बहुत सीमित समय के लिए मिला है, और इस सीमित समय से अपने जीवन का को पूरी तरीके से प्रकट करें, सभी मनुष्यों के लिए भी आदर्श बने और सभी को एक सभी के लिए एक जो है लक्ष्य देकर के आप इस दुनिया से जाएं, खुद भी व्यापक बने और सबके लिए व्यापक कल्याणकारी आपका स्वरूप हो, और जानते हैं हर प्रकार से आप सकारात्मक ऊर्जा के वाहक बने। यही हम हमारी आप सभी लोगों से कामना है, और हमारा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने जीवन को निखारें और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से ना जुड़ें, आप सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन का विस्तार करें।